नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए हैं। ये वीडियो में हम पांच इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हैं, और ये क्वेश्चंस ऐसे आते रहते हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में या आने की संभावना है। तो दोस्तों, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हमारे साथ बने रहें, और दोस्तों ये एकमात्र चैनल है जहाँ पर इंग्लिश मीडियम का कंटेंट उपलब्ध है। तो दोस्तों हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें, और दोस्तों अपने साथ दोस्तों के साथ शेयर करें, बताएं कि इंग्लिश मीडियम का कंटेंट आ चुका है। तो दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज़रूर समझ में आएगा। और आपने अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर की वीडियो नहीं देखी तो जाके ज़रूर देखें, आपको वो बहुत मदद करेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, और हमारा पहला क्वेश्चन है द सॉल्यूशन सेट फॉर इक्वेशन 4x² - 6x = 0 व्हेन x बिलोंग्स टू n। तो दोस्तों आपको सॉल्यूशन क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसका सॉल्यूशन निकालना है जब x बिलोंग्स टू n। का मतलब क्या है हमारा दोस्तों, x कोई नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ करके है, ये पॉइंट और ना होल में ऐसा नहीं रहेगा, ये 1 से लेके कोई गिनती है और ये पॉइंट में नहीं आएगा। तो दोस्तों हमें इसका वैल्यू निकाल ली है इस सॉल्यूशन की, इस क्वेश्चन की। तो दोस्तों इसके लिए हम लिखेंगे, पहले आपको पता ही है जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की चैप्टर में बताया था 4x² - 6x = 0, 4x और 2x कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 2x - 3 = 0 ब्रैकेट में 0, और फिर आएगा हमारा x = 0 और x = 3/2। तो दोस्तों 3/2 तो होल नंबर है ही नहीं, हमने बताया था 1 से गिनती चालू होगी, वह नेचुरल नंबर में आएगी दोस्तों, सॉरी नेचुरल नंबर तो है ही नहीं 3/2, और फिर तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इसकी कोई भी वैल्यू, पहला 0 आती है हमारी और दूसरी आती है 3/2, तो इसके दो सॉल्यूशन रहने चाहिए, क्योंकि ये x की पावर 2 है, और जिसकी पावर जितनी होती है n पावर है तो n सॉल्यूशन रहेंगे, और x की पावर 2 है तो दो सॉल्यूशन रहेंगे, तो इसकी पावर 2 है तो दो सॉल्यूशन रहने चाहिए। तो पहला सॉल्यूशन तो इसका दोस्तों हो नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो इसके लिए नेचुरल नंबर में ना ही 0 आता है, आपको पता है नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 0 भी नहीं आता है और 3/2 भी नहीं आता है। तो दोस्तों इसके लिए कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब इसका नल सेट होगा। नल सेट का मैंने कहने का मतलब है, देखिए नल सेट मतलब 0-1 तो होगा नहीं, 1-2 तो होगा नहीं, 0 तो होगा नहीं, और ये 5 रहता है दोस्तों, 5 सेट, 5 मतलब होता है नल, मतलब 0 कुछ भी नहीं, 0 मतलब ये नहीं कि 0 इसका सॉल्यूशन है, मतलब एक भी सॉल्यूशन नहीं है तो 5 लगाते हैं, तो 5 इसका सॉल्यूशन होगा, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं x = n के लिए। ठीक है दोस्तों अब आते हैं दोस्तों इसका ये सॉल्यूशन इस प्रकार से भी दिया गया है, 4x² - 6x से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, और हमें पता चलता है कि 0 और 3/2 दोनों ही हमारे नेचुरल नंबर है ही नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारे 1 2 3 4 5 से लेके ऐसे स्टार्ट होते हैं, ना ही इसमें 0 आता है ना ही इसमें 3/2 आता है, तो ये हमारे इसके लिए 5 इसका आंसर होगा डी। तो चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आता है द वैल्यूज़ ऑफ एक्स इन द अबव इक्वेशन a² b² x² - a² + b² x + 1 a इज़ नॉट इक्वल टू 1 और b इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो दोस्तों इसका कहने का मतलब है कि हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है इस इक्वेशन का, ये थोड़ी पेचीदा सी इक्वेशन लग रही होगी आपको, पर ये काफ़ी सरल है, और ये हमारे इक्वल टू 0 के बराबर दी गई है, ये दिखाया नहीं गया, और हमारी कंडीशन दी गई है a इज़ नॉट इक्वल टू 1 और b इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हमें इसे सिंपली फैक्टराइज करके कर लेना है, बहुत ही आसान तरीके से होगी दोस्तों, बस आपको देखते जाना है। हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये आ जाएगी हमारी माइनस का a² x और माइनस का b² x + 1, और आगे आ जाएगा हमारा a² b² और x²। तो दोस्तों इसे हम और इसे एक साइड लिख लेंगे, तो इसमें से a² x कॉमन ले लेंगे, a² x कॉमन ले लिया तो हमारा बचा b² x और माइनस वन, और माइनस का ये कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो ये 1 कॉमन लेंगे इसमें से, तो v² x
माइनस का वन बचा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये फैक्टराइज हो चुकी है बिल्कुल आसानी से। आइए आपको नीचे दिखाते हैं इसे आसानी से सॉल्व किया गया है। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को दोस्तों हमने इसे तोड़ के बता दिया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस प्रकार से बन जाएगा। इसे फैक्टराइज करके इस प्रकार भी लिख दिया था। अब हम ए स्क्वायर माइनस वन एक साइड, ए स्क्वायर एक्स माइनस वन और बी स्क्वायर एक्स माइनस वन इस प्रकार से लिख लेंगे और फिर इन्हें बारी बारी से ज़ीरो के बराबर दिखा देंगे। ए स्क्वायर एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो और बी स्क्वायर एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। इससे हमारी एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी ए वन बाई ए स्क्वायर और वन बाई बी स्क्वायर। एक्स और एक्स की वैल्यू आ जाएंगी क्योंकि एक्स की पावर दो है तो दो सॉल्यूशन होंगे इसके। तो हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो वन बटे ए स्क्वायर भी है, वन बटे बी स्क्वायर भी है और ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी है। तो दोस्तों हमारा ये तीसरा सही रहेगा क्योंकि पहले में पूरा नहीं लिखा, दूसरे में पूरा नहीं लिखा और तीसरे में तो ये नन ऑफ दीज, इसमें से सॉल्यूशन हमारा दिया गया है सी। चलिए दोस्तों दो आपको अगर समझ में आ रहा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट फाइव एक्स प्लस फोर इक्वल टू ज़ीरो हैज़ इक्वल रूट्स। दोस्तों जैसा कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियो में बताया था इक्वल रूट्स, ज़ीरो रूट्स और यूनिक रूट्स बताए थे, तो उसी प्रकार से अगर इक्वल रूट्स दिया गया है तो हमारा इसमें होगा जो डिस्क्रिमिनेंट रहता है डी, या इसे कहें तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी हमारा ज़ीरो के इक्वल दिया रहेगा। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी मतलब अगर ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट फाइव एक्स प्लस फोर को कंपेरिजन करा जाए हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तब हमें ए बी और सी की वैल्यू मिलेगी जिसे हम रख के इसमें वैल्यू निकाल सकते हैं एक्स की। आइए दिखाते हैं आपको कि डिस्क्रिमिनेंट इसका ज़ीरो रहेगा तभी इसके इक्वल रूट्स रहेंगे और हमें इक्वल रूट्स बता दिए गए हैं। ये रही हमारी इक्वेशन और हमें बता दिया गया है कि इक्वल रूट्स हैं, तो हमें पता चल गया डिस्क्रिमिनेंट है हमारा ज़ीरो रहेगा, मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी हमारा ज़ीरो रहेगा। तो हमने बताया है कि आपको बी ए और सी किस प्रकार से निकालना है इस इक्वेशन को। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपैरिजन करना है, तो जिससे ए हमारा आ जाता है ए के बराबर और बी आ जाता है हमारा माइनस टू रूट फाइव एक्स के बराबर और सी आ जाता है हमारा फोर के बराबर। इस प्रकार आपको निकालना है, तो हमारा लिख दिया है बी स्क्वायर माइनस टू रूट फाइव का होल स्क्वायर माइनस फोर ए फोर इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारा ये टू रूट फाइव का होल स्क्वायर निकल के आता है बीस, क्योंकि इसका होल स्क्वायर टू रूट फाइव माइनस का है तो आपको पता है माइनस अगर रूट के अंदर चला जाए तो पॉजिटिव हो जाता है। तो टू टू ज़ा फोर, फोर और फाइव का रूट फाइव का स्क्वायर हमारा फाइव हो जाएगा, तो ये हमारा बीस निकल के आ जाएगा जो बीस लिख दिया गया है। और फोर इंटू फोर सिक्सटीन ए आ जाएगा और ए की वैल्यू आ जाती है हमारी इस प्रकार से फाइव बाई फोर, ए की वैल्यू आ जाती है हमारी फाइव बाई फोर। चलिए दोस्तों ऑप्शन में देखते हैं ये वैल्यू है, पहली है फाइव बाई फोर और हमारा पहला सही हो जाएगा। ये हमारे रहे चार मार्क्स कंप्लीट। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, हम तीन क्वेश्चन कर चुके हैं अपने। फोर्थ क्वेश्चन आता है द इक्वेशन वन प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू एम एम सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर जीरो हैज़ इक्वल रूट्स। अभी हमने बताया था इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में इक्वल रूट्स का कहने का मतलब क्या होता है। इक्वल रूट्स के कहने का मतलब होता है जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट डी, या तो डी डिस्क्रिमिनेंट या डी कहें या बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कहें, वो हमारा ज़ीरो के बराबर होगा तभी हमारे इक्वल रूट्स होंगे और हमें कह दिया गया है ये इक्वल रूट्स हैं तो हमारा ये ज़ीरो के बराबर रख देंगे। इस इक्वेशन को हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपैरिजन करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं किस प्रकार से करना है। जैसे कि हमारी ये इक्वेशन दी गई है वन प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू एम सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपैरिजन करेंगे। तो आपको दिख रहा है ए बराबर आता है हमारा वन प्लस एम स्क्वायर, बी बराबर आता है टू एम सी और सी बराबर आता है हमारा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस प्रकार से आपको कंपैरिजन करना है और हमें कहा गया है ये सी बराबर डी बराबर ज़ीरो दिया गया है क्योंकि इक्वल रूट्स हैं, तो हम बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी में रख देंगे इनकी वैल्यू।
वी स्क्वायर माइनस फोर ए सी में रख देंगे वैल्यू और उसे जीरो के बराबर दिखा देंगे। तो हमने बी की वैल्यू रखी 2mc का होल स्क्वायर माइनस फोर, ए की वैल्यू रखी 1 प्लस एम स्क्वायर और सी की वैल्यू रखी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और इसे सॉल्व करते गए तो हम सॉल्व करने पे ये इसकी वैल्यू आ गई, हमारी वैल्यू आ गई सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर। आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसे सॉल्व किया गया है कि पहले हमने 2mc का होल स्क्वायर खुद खोला और फिर इन्हें मल्टीप्लाई करा और उसे कैंसिल करके हमें एम स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 1 प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मिला। आप इसे कॉपी में भी करके देख सकते हैं और इस प्रकार से हम इसे सॉल्व कर दिया है और सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर मिल गया हमें। तो हमारे इस इक्वेशन के रूट्स जब ही इक्वल होंगे जब सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, और ये अब इसे देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन में दिया गया है हमारा सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर होना चाहिए। तो पहला तो गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है। और आते हैं हम अपने चौथे वाले पे, तो चौथा हमारा सही निकला, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस एम स्क्वायर होगा, तभी हमारे इक्वल रूट्स होंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम आखिरी क्वेश्चन की तरफ। अपने आखिरी क्वेश्चन है हमारा कुछ इस प्रकार से है दोस्तों, आप देख सकते हैं आखिरी क्वेश्चन आ चुका है। इफ़ वन रूट ऑफ 3x² माइनस इक्वल टू 8x प्लस 2k प्लस 1 इज 7 टाइम्स द अदर देन द वैल्यू ऑफ k। अगर आप दोस्तों आपको अभी भी प्रॉब्लम आ रही है रूट्स वगैरह जानने में, तो आप हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियो देखें, फुल चैप्टर बताया गया है कि रूट्स क्या होते हैं, इक्वल रूट्स क्या होते हैं, समीकरण कैसे सॉल्व करें, सब बताया गया है इंग्लिश मीडियम छात्रों के लिए, तो आप उसे देख सकते हैं। तो इसमें कहा गया है अभी कि एक रूट है जो इसका किसी भी इक्वेशन मतलब द्विघाती क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं कि मतलब दो सॉल्यूशन होंगे इसकी वैल्यू के, दो वैल्यू होंगी। तो इन्हें कहा गया है पहली जो वैल्यू है वो दूसरे के 7 गुना है, मतलब पहली अगर 1 है तो दूसरी 7 है, पहली अगर a है तो दूसरी 7a है, 7 गुना ज़्यादा है। तो 7 गुना इसी प्रकार से लिखा जाएगा। तो हमें रूट्स बता दिए गए हैं कि अगर ये हमारे रूट्स हैं, फिर हमें इसकी के की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों अगर ये रूट्स हैं तो इस वैल्यू को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब हम इसे इसमें रखेंगे x की जगह पे a या 7a, तो हमारा इसका सोल्यूशन आएगा। तो दोस्तों देखते हैं किस प्रकार से करते हैं। तो हमने a 3x² इज इक्वल टू 8x प्लस 2k प्लस 1 दी गई है। हम x को k को और k प्लस 1 को इस साइड ले जाते हैं। हमें बता दिया गया है पहला रूट 7 गुना है, मतलब दो रूट हैं जिसमें से पहला दूसरे के 7 गुना है। तो पहला अगर हमने अल्फ़ा माना तो दूसरा 7 अल्फ़ा हो जाएगा। अगर सम ऑफ रूट्स इसके मतलब दो रूट का सम होता है हमारा माइनस बी बाई ए। जब हम इस इक्वेशन को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपैरिजन करेंगे तो हमें ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी। और हमारा सम ऑफ रूट्स होता है मतलब अल्फ़ा प्लस 7 अल्फ़ा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी है हमारा इसमें 8, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो 8 बचेगा 8 बटे, और ए है हमारा 3, आप देख सकते हैं। तो इससे हमारी वैल्यू आ जाएगी 8 अल्फ़ा बराबर 8/3 और अल्फ़ा आ जाएगा हमारा 1/3। और तो हमारा पहला रूट अल्फ़ा आ गया 1/3 और दूसरा 7 गुना है तो 7/3। तो इस प्रकार से हमारे रूट्स निकल के आ गए बड़ी आसानी से। तो दोस्तों आप देखते हैं ऑप्शन में, तो इसका हमारा आता है आंसर कि देन द वैल्यू ऑफ के। तो दोस्तों हमें के की वैल्यू निकाल ली है, रूट्स निकाल लिए हमने, अब रूट्स की जो रियल वैल्यू थी अभी हमने अल्फ़ा और 7 अल्फ़ा माने थे, अब हमें रियल वैल्यू मिल चुकी है 1/3 और 7/3। अगर ये रूट्स 1/3 और 7/3 अगर हम इक्वेशन में रखें तो इसका वैल्यू आएगी जो इक्वेशन की, तो ज़ीरो आनी चाहिए एक्स की जगह पर अगर किसी एक को भी रख दें। तो हमने इसे डायरेक्ट अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फ़ा और 7 अल्फ़ा, ये हमारी वैल्यू निकल जा चुकी है जो कि होती है सी बाई ए के बराबर। तो सी बाई ए था हमारा माइनस 2k प्लस 1/3 और इसे हम रख देंगे। अल्फ़ा और 7 अल्फ़ा की वैल्यू निकल आई थी हमारी 1/3 और 7/3, तो इनका मल्टीप्लिकेशन आता है हमारा 7/9, तो जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये हमारे सी बाई ए ये रहे जो कि होते हैं मल्टीपल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स रहते हैं हमारे सी बाई ए।
तो सी वाई ए सी की वैल्यू है माइनस टू के प्लस वन डिवाइड बाई थ्री, ए की वैल्यू है थ्री। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो हमारा के की वैल्यू निकल के आ जाएगी माइनस फाइव बाई थ्री। ये ऐसी वैल्यू है जिसे हम रख सकते हैं और हमारे तभी हमारा पैरा रूट्स दूसरे के साथ गुना रहेगा। तो हमारा सही आ चुका है इसका, सही आ चुका है हमारा इसका माइनस फाइव बाई थ्री। तो पहला तो फाइव बाई थ्री ये गलत है, दूसरा तीसरा भी गलत है और चौथा भी गलत है, तो दूसरा हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से इनके क्वेश्चन के आंसर करने पड़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए नया चैनल आ चुका है। और दोस्तों इसकी अगर आपने अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और भी अगर वीडियोज़ नहीं देखी तो आप ज़रूर देख सकते हैं हमारे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर पे। धन्यवाद दोस्तों।